केवल 2000 रुपीज इन्वेस्ट करो और 15000 रुपीज एवरी मंथ। और आज बहुत प्राउड मोमेंट है, बता सकता हूं 800 आंगनवाड़ी लेडीज में सीजीएस बन चुकी है और अपनी लाइफ को और ज्यादा आज बदल के चली जा। केवल 2000 रुपीज एवरी डे। मैं आंगनवाड़ी लेडीज के बारे में या फीमेल के बारे में पूरे वर्ल्ड में 2 लाइन बता देता हूँ। फीमेल आर द बेस्ट सेलर इन द वर्ल्ड। फीमेल्स जो सामान को बहुत अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। फीमेल आर द बेस्ट सेलर इन द वर्ल्ड। मेल्स आर द बेस्ट रिक्रूटर्स इन द वर्ल्ड। मेल्स रिक्रूटमेंट में ज्यादा फास्ट होते हैं, फीमेल्स सेलिंग में ज्यादा फास्ट होते हैं। 2000 रुपए, मैं हर आंगनवाड़ी लेडी को कहता हूँ 2000 रुपए का सामान एवरी डे लो। कैलकटा में सुबह वो आ जाती है, 2000 रुपए का सामान लेती है, अपने गाँव में जाती है, उनका केवल एक काम होता है शाम तक 2400 रुपए में उस सामान को बेच देना, खत्म। यहाँ 2200 रुपए में बेच देना, सिंपल 200 रुपए प्रॉफिट पर डे माल बेच के वो कमाती है। और महीने का कम से कम 8-10 हजार रुपया वो केवल सेलिंग से कमाती है, केवल सेलिंग। और साथ ही साथ क्योंकि वो 2000 रुपए एवरी डे इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस में, ऑटोमेटिकली उनका पीवी 3000-4000 पीवी हो जाता है, उनको 8-10 हजार रुपए का चेक बेस्टी हर महीने दे देता है, वो तकरीबन 16-17 हजार रुपए आज यहां से बेस्टी से कमा लेते हैं। लोग कहते हैं दीपक की पैसा नहीं आता, सिंपल फॉर्मूला, करने की चाह हो तो करोड़ों रुपए आते। आंगनवाड़ी लेडीज कितनी, यही नहीं स्पेशली एबल पीपल ब्लाइंड डेफ वैसी में हम लोगों ने पुणे से तकरीबन 70 ऐसे बच्चों को ज्वाइन कराया जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, और वो भी आज स्टार डायरेक्टर बन चुके हैं, 50-50 हजार रुपए महीना वो भी आज कमा रहे हैं। It's all about the will. Even the sky was no longer the limit with a female scientist making Mangalyaan. कितने लोगों को पता है कितनी फीमेल्स को पता है मंगलयान इंडिया ने भेजा, कितनी फीमेल्स थी उसमें उस टीम में? आपने तो किसी को नहीं पता होगा, मुझे पता है क्योंकि आपको क्या लेना है। गूगल कितना हमारे सबके पास है, ये मोबाइल फोन मेरी फोटो या वीडियो बनाने के लिए नहीं है, इसमें गूगल देखता है, उससे लर्निंग लेने के लिए भी है। उसमें कोई क्वेश्चन डाल के फीमेल के बारे में भी आप देखोगे तो कितना बड़ा डेटा आज फीमेल के बारे में भी उसमें। केवल आपकी सोच होनी चाहिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, कि आज मंगलयान इंडिया आज वो टीम में जो स्पेस में रॉकेट भेज रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं उसमें फीमेल आज किस तरीके से आगे बढ़ रही है। अभी 4 दिन पहले इंडिया ने एक बहुत बड़ी डील की है, वर्ल्ड रिकॉर्ड एक और इंडिया ने बनाया। 470 टाटा ग्रुप ने क्या किया है, 470 प्लेन का ऑर्डर दिया है, वर्ल्ड का नंबर वन। बट आपको पता है टाटा ग्रुप ने एक और डिसीजन लिया, टाटा ग्रुप ने 1950 से एक डिसीजन लिया था, और टाटा ग्रुप का एक डिसीजन था कि कोई फीमेल टाटा ग्रुप में जॉब नहीं कर सकती, टाटा ग्रुप में फीमेल्स को जॉब नहीं दी जाती थी। एक फीमेल उठी, उसने कहा टाटा ग्रुप गलत है, मैं साबित करके रहूंगी टाटा ग्रुप ही गलत है, और उसने एक मेल लिखी, उसने कहा मेरा इंटरव्यू लिया जाए इस पोस्ट के लिए, अगर मेल से काबिल व्यक्ति कोई मेल मिल जाए तो मुझे बताया जाए। और आप हकीकत नहीं मानोगे, उसे काबिल कोई नहीं था, एब्सोल्युटली। और उसने जब मेल लिखी, टाटा ग्रुप ने स्पेशली उनको बुलाया और बोला कि हम आपको जॉब नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि हम फीमेल्स को जॉब नहीं देते। उसने कहा आपकी गलत पॉलिसी है, मैं चेंज करके रहूंगी, चाहे आप टाटा ग्रुप का कोई फर्क नहीं पड़ता। सुच्चे हो आपको अगर फीमेल की कदर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। उन्होंने एक मेल लिखी और पहली एम्प्लॉय टाटा ग्रुप की बनी सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति की वाइफ। और जो आज नारायण मूर्ति की वाइफ है, इंफोसिस के मालिक, और उनका सन इन लॉ यूके का प्राइम मिनिस्टर। जस्ट इमेजिन, अगर आज फीमेल को ड्यूटी करने में आ जाए तो वो क्या कर सकती है, मैं तो केवल आपको बता रहा हूं कि जस्ट इमेजिन कि कहां से कहां केवल एक फीमेल ने एक जिद मान ली थी कि टाटा ग्रुप को सिखाना है कि वो लड़कियों को फीमेल को जॉब दे, और उसने करके दिखाया। और आज HIV पेशेंट के साथ रहती है वो,
वो इतनी इतना पैसा है उनके पास, इतना पैसा है, पूछो मत। आप सोच सकते हैं जिसका यूके, जिसका बेटा प्राइम मिनिस्टर हो और वो भी लंदन, उसकी डॉटर के पास इतना पैसा है, कंट्रीज खरीद सकती है कंट्रीज। और उसकी माँ सुधा मूर्ति, एक रिपोर्टर उनके पास गया और उनसे पूछा, मैम आपने शॉपिंग लास्ट शॉपिंग कब की थी? तो सुधा मूर्ति का आंसर पता है क्या था? 7 साल पहले मैंने ये साड़ी खरीदी थी जो पहन रही थी। 7 years। Everything is there. सब कुछ यहाँ है, कहीं और नहीं है। Just imagine. और HIV patients को सेवा करती हैं, झोपड़ी में रहती हैं, HIV patients की मदद करती हैं। Just imagine कि उन लोगों को जिंदगी देने ये काम कहां से कहां पहुंच रही है। Number of examples आगे बढ़ते हुए